फिर मुख्यमंत्री जी मुकरे और 95 लाख महिलाओं को दरकिनार करके 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की बात कही और अब तक 18 लाख टेलीफोन उन्होंने बांटे हैं। और इस टेलीफोन जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। आप सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। परिवर्तन संकल्प यात्रा और उसके बाद में कल परसों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जयपुर की महासभा, इसके बाद इन सारी स्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार परिवर्तन यात्रा को जनता का सहयोग मिला है, इस सरकार की विदाईत्य है। इस सरकार के चलते आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चुका है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया और मुख्यमंत्री जी बिना बजटीय प्रावधान के सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना खुद के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। डिजाइन बॉक्स कंपनी, एक निजी कंपनी, उसके माध्यम से 2000 करोड़ के विज्ञापन, वीडियो कंटेस्ट और यूट्यूबर्स को एंगेज करके सरकार अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढना चाहती है। सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी मुकरे और 95 लाख महिलाओं को दरकिनार करके 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की बात कही और अब तक 18 लाख टेलीफोन उन्होंने बांटे हैं। और इस टेलीफोन खरीद के अंदर भारी घोटाला हुआ है। टेलीफोन सैमसंग और ऐसी कंपनियों के हैं जो जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के उपकरण लगे हैं और इसी कारण से यहाँ वार्ड नंबर 80 के अंदर राशिधरा के अंदर टेलीफोन फटा और एक महिला का पूरा कमरा जल गया। दूसरी ओर इन्होंने अन्नपूर्णा किट के नाम पर 1 करोड़ NFSA परिवार को सोयाबीन का तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी बांटने का काम किया। अब तक 22 सैंपल फेल हो गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर 22 सैंपलों के माध्यम से लैब ने कहा जांच के पश्चात कि ये अस्वास्थ्यकर है। इस अन्नपूर्णा किट में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। 2 मंत्रियों के सर फुटोवल हुए। खाद्य और रसद मंत्री ने कहा कि 3,000 करोड़ की ये योजना रसद विभाग की है। वित्त विभाग के जिसके मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको सहकारिता विभाग में स्थानांतरित की। कॉन्फर्ट के माध्यम से एक टेलर में निविदा जारी हुई। हर जिले के अंदर 50 करोड़ का जिसने पोषाहार वितरण का काम किया, उसकी हैरता रखी, वही कंपनी भाग ले सकती है, वही फर्म भाग ले सकती है। नतीजा ये हुआ कि पूरा राजस्थान का ठेका उस राणावत कंपनी को मिल गया जिन्होंने अभी इतना पैसा कमाया कि गहलोत साहब का एक सरकार का पुराना हेलीकॉप्टर भी उसने एक्शन पर खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद इस महाघोटाले की हम जांच करवाएंगे। 100 यूनिट बिजली दूर की कौड़ी साबित हुई। जनता के बड़े हुए बिल आए और अजमेर में 80 जगह पर इस बिलों की होली जलाई गई। फसल बर्बाद हुई, किसान मांग करता रहा और इन्होंने गिरदावरी नहीं कराई। लंपी के अंदर, इस जिले के अंदर बड़ी संख्या में लगभग 80,000 पशु काल कलवित हुए और
बहुत थोड़े सा हजारों की संख्या में, वो भी कुल पूरे राजस्थान में 41,000 पशुपालकों को 40,000 रुपये देकर इन्होंने अपनी बजटीय घोषणा को पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर हालात ये हो गई कि अब ये सरकार अपने कांग्रेस के कल्चर और वर्कर पर विश्वास नहीं कर रही, ये सिर्फ विज्ञापनों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और विज्ञापन एजेंसियों को टैक्स पेयर का पैसा सरकार जिस प्रकार लुटा रही है और बिना वित्तीय प्रबंधन के सरकार जिस प्रकार की बंदरबाट कर रही है, राजस्थान की वित्तीय हालत, इकोनॉमी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह करके यह सरकार जाएगी। अब तो निगम और बोर्डों में अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन इसलिए किया कि 1,000 करोड़ रुपया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफ़र करा के बंदरबाट की, 1,500 करोड़ रुपये RTDC राजस्थान पर्यटन निगम के संपत्ति को लीज में रखकर सरकार ने लोन लिया। आज सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन का पैसा नहीं, सरकार की ट्रेजरी में आज संवेदकों का पैसा नहीं होने के कारण से बिल अटे पड़े हैं और सरकार ने जो वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हुए GPF का लाभ देने के लिए कर्मचारियों को, वो लाभ सरकार दे नहीं पा रही। सरकार ने अपने GDP का 42% लोन लेकर इस वित्तीय वर्ष में देश के अंदर सर्वाधिक लोन लेकर राजस्थान की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया और इस सरकार को ब्यूरोक्रेट और विज्ञापन एजेंसी चला रही है। यहाँ स्मार्ट सिटी में अजमेर में अन्ना सागर को जिस प्रकार, अगर कोई ED की रेड उनकी निगाहों में गलत है तो तथ्यों के आधार पर सामने आकर क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते कल राजेंद्र यादव जी के घर में ED को ताले क्यों तोड़ने पड़े अलमारी के, इतनी साफ गोई थे। और अगर इतनी बात है तो उनको आगे आके कहना चाहिए कि अब तक ED ने जितनी रेड की उसमें ये गलत है। हाँ, एक बात ज़रूर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा घोटाला हुआ, उसमें 16.5 किलो सोना पकड़ा गया, एक रिटायर्ड RAS के पास पकड़ा गया, एक एक्सिन के पास पकड़ा गया। और 16.5 किलो सोना पकड़ जाने के बाद दूसरे दिन बयान करते हैं कि चूंकि ये सोना किसी मंत्री के पास नहीं पकड़ा गया, किसी IAS के पास नहीं पकड़ा गया, इसलिए मेरी सरकार पर कोई आरोप नहीं। ये मुख्यमंत्री जी का जवाब होना चाहिए, उनके खुद के शासन में ED आकर 16.5 किलो सोना पकड़े, 5 करोड़ रुपये नकद पकड़े, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने में पूरा इनका सहयोग है। देखिए, मेरे को इसकी निजी जानकारी नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर कोई पकड़ा गया तो कानून अपना काम करेगा और पार्टी अपना काम करेगी। एक पार्षद ऐसे हैं जिनको अनुचित कार्य करने के चलते उनको हटाया गया है। देखिए, ये इस सरकार के चलते हुए जिस प्रकार पंचायत राज के अंदर और